दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज विदेश में ट्रेनिंग करने वाले अध्यापकों से बातचीत करेंगे। इस दौरान करीब 1000 अध्यापक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि फिनलैंड में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर LG के साथ तनाव बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने हमला किया था और कहा कि दिल्ली में शिक्षा को बेहतर करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। बलराम, कितने बजे कार्यक्रम होगा, फोकस क्या होगा इस कार्यक्रम का? देखिए, ये कार्यक्रम 12 बजे से शुरू होगा और करीब 1 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अध्यापकों को संबोधित करेंगे और ये वो अध्यापक होंगे जो विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया गया है। विदेश से जो ट्रेनिंग लेकर के लगभग 1000 अध्यापक अब तक आए हैं, उनसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संवाद करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही LGBT के सक्सेना ने दिल्ली के अध्यापकों को फिनलैंड जाने से रोका था, जिसके बाद सरकार और उपराज्यपाल के बीच में तनातनी देखने को मिली थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा है कि दिल्ली में शिक्षा को बेहतर करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, हमें ये प्रयास करने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो दिल्ली के टीचर हैं वो विदेश जाएंगे और वहां से ट्रेनिंग लेकर के आएंगे और जो यहाँ के बच्चे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए जो हमारा प्रयास है वो लगातार हमारा जारी रहेगा। जी, और क्या एक तरीके से काउंटर है LG जिस तरीके से फाइल को रोक कर रखे हैं और ये एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश होगी दिल्ली की जनता को कि देखिए जो टीचर्स ट्रेनिंग करके आए हैं उसका फायदा कितने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर हो रही है? देखिए, जो विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आए टीचर हैं उनसे संवाद करने का मकसद ही यही है कि जो फिनलैंड में उन्हें ट्रेनिंग दी गई है वो किस तरह से दी गई है, किस तरीके से उन्हें वहां पर बेहतर ट्रेनिंग मिलती है और वहां से जब ट्रेनिंग लेकर के आते हैं तो वो किस तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं, किस तरीके से बच्चों को शिक्षित करते हैं। ये पूरा एक संवाद आज दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा कि फिनलैंड से लौटने के बाद टीचरों में किस तरीके का बदलाव होता है, किस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और किस तरीके से वो बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि बच्चों को और बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सके, उनके शिक्षा को और बेहतर डेवलप किया जा सके, उसके लिए टीचर्स कैसे विदेश से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं। ये सभी संवाद आज देखने को मिलेंगे और ये भी देखने को मिलेगा कि फिनलैंड जाने के बाद टीचरों में किस तरीके का बदलाव देखने को मिलता है, किस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और किस तरीके से वो और बेहतर शिक्षा बच्चों को दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए कि जिस तरीके से LGBT के सक्सेना ने विदेश जाने से रोक लगाई थी टीचरों पर, उसका एक काउंटर है दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए कि किस तरीके से विदेश से जब अध्यापक शिक्षण प्राप्त करके आते हैं तो उनके अंदर कितना बदलाव आता है और किस तरीके से शिक्षा में क्रांति आ रही है उनके विदेश दौरे के बाद। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलराम।